हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 10.3। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8 रुपीज 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ आपको क्या दिया है, एक प्लॉट है आपका, इसकी मेजरमेंट क्या है, 500 मीटर लॉन्ग है और 200 मीटर वाइड है। अब इसमें टाइलिंग का काम होना है, टाइल्स लगानी है और उसकी रेट क्या है, रुपीज 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। इस तरह से आप ये जरूर अपना एक ड्रॉ कर लिया करिए, जिससे क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी है और क्या कैलकुलेट करना है, थोड़ा इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एरिया कैलकुलेट करना होगा। तभी तो हमें दिया है कि अगर 100 स्क्वायर मीटर का एरिया है तो उसकी 8 रुपीज कॉस्ट आएगी टाइलिंग की। तो सबसे पहले एरिया कितना हो गया, 500 मल्टीप्लाइड बाय 200 कितना हो गया, 1 लाख मीटर स्क्वायर। अब 100 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट क्या है, 100 मीटर स्क्वायर कितनी है, 8 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर कितनी हो जाएगी, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। देखिए सिंपल सा है ना, 100 मीटर के लिए हम दे रहे हैं 8 रुपए, तो 1 मीटर के लिए कितने देंगे, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ टाइलिंग फॉर कितना, 1 लाख, 1 लाख मीटर स्क्वायर। तो ये हमने 1 की कॉस्ट निकाल ली है, तो 1 लाख की क्या होगी, इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 जीरो है नीचे, ये ऊपर भी 2 जीरो, ये कट हो गए, तो 8 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आंसर आया, 8000। तो इस प्लॉट की टाइलिंग की कॉस्ट क्या हो गई, रुपीज 8000।